दिल्ली में शराब नीति को लेकर सियासी संग्राम हो रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की गई। दिल्ली से एवन संवाददाता ज्योति सिंह की देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, शराब नीति तो वापस ले ली, फिर अब प्रोटेस्ट क्यों? देखिए, यही तो है कि आज जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर केजरीवाल सिसोदिया क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन जवाब दीजिए, आपकी 2% से 12% आपने कमीशन क्यों ठेकेदारों का? क्यों आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए? क्यों आपने कार्टल कंपनी और मैन्युफैक्चरर कंपनियों को ठेके दिए? क्यों आपने ड्राई डे की संख्या 21 से घटा के 3 की? क्यों आपने इतना बड़ा पाप किया कि स्कूल और मंदिरों के पास भी ठेके खोल दिए, रिहायशी कॉलोनी में भी खोल दिए ठेके, युवाओं को नशे की ओर झोंकने का काम किया? तो आज ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है, दिल्ली और देश की जनता के लिए अभिशाप है। कब तक करते रहेंगे सर? जब तक सिसोदिया इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली की जनता के लिए सिसोदिया की बर्खास्तगी तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप पार्टी आरोप लगा रही है कि आप उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। देखिए, झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती और जो झूठे हैं इन्होंने पहले भी मनगढ़ंत कहानियां रची है, लेकिन मनगढ़ंत कहानियों में कोई आने वाला नहीं है। ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होगा। पहले ये बताइए कि आपने शराब माफियाओं को हजारों करोड़ रुपए क्यों लुटाया? दिल्ली के खजाने को क्यों लुटते हैं? हमसे बातचीत करने के लिए दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता से बातचीत करने के लिए ज्योति